एक छोटे से गांव में एक गरीब मौलवी रहा करते थे। वो उस गांव की मस्जिद के इकलौते इमाम थे। नमाज पढ़ाने के अलावा मौलवी साहब गांव के सभी बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाते थे, जबकि उनकी बीवी गांव की सभी बच्चियों को मदरसा पढ़ाती थी, जिस वजह से उनका गुजर बसर हो जाता था। मौलवी साहब की एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था और फिर यही बात फिरती फिराती गांव के जाने माने चौधरी के बेटे तक जा पहुंची। चौधरी के बेटे ने जैसे ही मौलवी साहब की बेटी के चर्चे सुने तो उससे रहा नहीं जाता था। वो बस इसी कोशिश में रहता कि किसी तरह वो मौलवी साहब की बेटी को घर से बाहर लाए या खुद घर में दाखिल हो जाए। इसीलिए चौधरी के बेटे ने मौका तलाश करना शुरू कर दिया कि किसी तरह बस एक बार मौलवी साहब की दोशीज़ा के हुसन का दीदार हो जाए। आखिर देखें तो सही वो क्या बला है। वो कहते हैं ना कि जिसके इरादे मजबूत होते हैं तो रास्ते आसान हो जाते हैं, और हुआ भी कुछ इस तरह कि एक दिन चौधरी का सप्तर मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ नियाज वगैरह देने के बहाने से मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा और इस तरह वो अपने मकसद में भी कामयाब हो जाए। चौधरी के बेटे ने ऐसा वक्त देखा जब मौलवी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए और उसकी बीवी भी घर में मौजूद नहीं थी, तो उसी वक्त चौधरी के बेटे ने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी साहब के घर में से उनकी बेटी की आवाज़ आई, कौन? तभी चौधरी के बेटे ने कहा, मेरे पास कुछ सामान है जो मुझे चौधरी साहब ने देकर भेजा है। ये कहकर ये सब सामान मौलवी साहब के घर देकर आओ। अच्छा, आप आए और ये सामान ले जाएं। तभी लड़की ने कहा कि आप सामान दरवाजे के पास रख कर चले जाएं, मैं आकर उठा लूँगी। चौधरी के बेटे ने सामान रखा और वहीं इंतज़ार करने लगा। जब मौलवी साहब की बेटी ने समझा कि सामान देने वाला सामान रख कर चला गया है, तो उसने सामान घर में ले जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो चौधरी के बेटे ने उसे देख लिया। पहले देखा नहीं था तो इतना तड़प रहा था, और अब तो एक बार ही सही देख तो लिया है और देखा ही नहीं बल्कि मौलवी साहब की बेटी पर आशिक भी हो गया और उसे अपना दिल भी दे बैठा है। चौधरी के बेटे ने अपने घर में दाखिल होते ही ये ज़िद पकड़ लिया कि मुझे शादी करना है तो बस मौलवी साहब की बेटी ही से करना है। ना वो खाना खाता और ना पानी पीता, बस ये राग लापता कि मुझे शादी बस उसी से करनी है। चौधरी इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो एक गरीब मौलवी की बेटी थी, और फिर शादी करके चौधरी के घर में लाती भी क्या, वही चार पांच बर्तन और कुछ भी नहीं। जब अपने लगते जिगर की ज़िद देखी तो चौधरी ने इससे कहा कि ठीक है, मैं जाकर मौलवी साहब से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करता हूँ। चौधरी ने बस उसे तसल्ली देने के लिए कहा था। चौधरी तो उस रिश्ते से बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, तो उसके दिमाग में एक चाल आई और वो अपनी चाल चलने के लिए पूरा तैयार हो गया। चौधरी ने मौलवी साहब के घर कदम बढ़ाए और घर के बाहर से ही दरवाजे के पास से ही इजाज़त हासिल करना बेहतर समझा। चूँकि बापर्दा ख़वातीन घर में थी इसलिए इजाज़त लेते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या मौलवी साहब घर में हैं? मौलवी साहब घर में मौजूद थे इसलिए पूछा, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? जी मैं चौधरी यासिर हूँ, चौधरी ने कहा। मौलवी साहब ने दरवाज़ा खोला और चौधरी को अंदर आने की इजाज़त दी। फिर पूछा, फरमाए यासिर साहब, कैसे याद फरमाया? चूँकि चौधरी यासिर ने सारी स्कीम अपने दिमाग में जमा कर ली थी कि क्या बोलना है, तो बात शुरू करते हुए कहा, मौलवी साहब आपको तो मालूम ही होगा कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, पर आपको ये मालूम नहीं होगा कि वो कितनी बुराइयाँ करता होगा। तो सुनो, मैं ही बताता हूँ
कि वो बहुत शराबी है, जुआरी है। बस यही बुराइयां नहीं बल्कि उसके अंदर हर बुराइयां मौजूद हैं। अपने प्लान के मुताबिक चौधरी अपने बेटे की बहुत सारी बुराइयां बयान करने लगा जो उसके अंदर मौजूद थी ही नहीं। फिर आगे अपने बेटे का रिश्ता मांगते हुए कहा, क्या मैं यहाँ आपसे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ? अब कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करवाए, और वो भी मौलवी साहब जो कि गांव की मस्जिद का इमाम थे। वो कैसे कर देते अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ जिसमें बुराइयां ही बुराइयां थी। चौधरी यासिर ने आगे कहा, अगर आप मुझे इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी यहाँ से चला जाऊँगा। आप ये ना सोचना कि मेरी नाराज़गी आपकी ज़िंदगी में कोई खलल डालेगी। अब जाहिर सी बात है, मौलवी साहब ने इनकार ही करना था और चौधरी यासिर का कुछ कर भी नहीं सकते थे। मौलवी साहब ने इनकार करते हुए कहा, मैं अपनी बेटी का हाथ एक गुनाहगार के हाथों में कभी भी नहीं दूंगा। चौधरी यासिर अपने घर में आया और अपने बेटे से कहने लगा कि रियाज मेरे फर्जंद सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है, और वो ये कि मौलवी साहब ने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देने से इनकार कर दिया है। और हाँ सुनो बेटा, अब तुम कभी भी उस गली में से दोबारा मत गुजरना। चौधरी यासिर की बातों ने रियाज के दिल को रेजा रेजा कर दिया और उसको इस इनकार में अपनी इंसल्ट लगी। इसी वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। फिर सोचा कि मेरे पास इतनी दौलत इज्जत शोहरत होने के बावजूद एक मामूली से मौलवी ने मेरा रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। और फिर इस गुस्से ने इंतकाम की आग लगा दी। रियाज ने आगे सोचा और पक्का इरादा बनाया कि अब मैं इससे ज़रूर इंतकाम लूँगा, और उसने दिल में इंतकाम की ठान ली। इधर मौलवी साहब की बेटी बहुत बीमार हो गई और उसे पेट में शदीद दर्द शुरू हो गई। पहले तो वो सब घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। उस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो नहीं थे, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज़ चेक की, पेट की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी साहब के घर में तो जैसे कि एक कोहराम मच गया, गोया कि एक कयामत आन पड़ी थी। मौलवी साहब ने अपनी इकलौती बेटी को बहुत मारा पीटा और पूछा कि मुझे बताओ आयशा, कि तुमने किसके साथ मुंह काला करवाया है? ये तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? आयशा खामोशी से रोती रही और मौलवी साहब से कुछ भी नहीं कहा, बस अपने रब करीम की बारगाह में फरियाद करती रही कि मौला, मेरा तो कोई भी जुर्म नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, और वैसे भी मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। मौला पाक मेरी मदद फरमा। मौलवी साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इसलिए एक दो बार तो अपनी बेटी के कत्ल करने के दरप्पे पे भी हुए। मौलवी साहब की बीवी बीच में आ गई और इस तरह एक बाप अपनी बेटी को कत्ल करने से बाज रहा। मौलवी साहब की बीवी को पूरा यकीन था कि उसकी अपनी बेटी बेगुनाह है, बेकसूर है, क्योंकि माँ ने अपनी इकलौती बेटी की परवरिश की थी। आयशा भी अपने रूम में खुद पर होने वाले इल्ज़ाम और इम्तिहान पर अल्लाह पाक से उम्मीद लगाकर बैठ गई कि अब कोई मौजज़ा ही उसे इन सना करदा गुनाह से निकाल सकता है। जब मौलवी साहब की बेटी आयशा के हमला होने की बात रियाज ने 2-3 बार सुना तो वो खुशी से फूले न समाया। वो तो कुछ करने के फ़िराक में पहले ही से था, पर उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और सब हो गया। रियाज खुशी खुशी अपने घर से बाहर आया। उसको हकीम के पास से मौलवी की बेटी के बारे में सब कुछ मालूम था, क्योंकि उसने ही मौलवी की बेटी को हमला बताया था। वो हकीम से सारी तफसीलात मालूम करने के लिए उसकी तरफ चल पड़ा। रियाज हकीम के पास आया और पूछा कि मौलवी की बेटी को क्या हुआ है, लेकिन हकीम खामोश रहा, कुछ ना बोला और मुंह ना खोला। तो रियाज ने हकीम को थोड़ी सी रकम अदा कर दिया। हकीम ने सारी बात उगलते हुए कहा, मौलवी की बेटी हामला है। रियाज को यही सब चाहिए था। वह हकीम के पास से वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के हामला हो गई है। गांव की सारी औरतें मौलवी साहब के घर में आने लगीं और सब ने जो दिल में आया पूछने लगीं कि ऐसे कैसे हो गया, तुम्हारी बेटी के साथ जो इसको इतना बड़ा गुनाह करना पड़ा।
आप लोगों ने जल्दी से इसकी शादी क्यों ना करवा दी? अगर आप लोगों ने इसकी शादी जल्दी कर दी होती तो ये किसी के भी साथ मुँह काला नहीं करती। गर्ज जितने मुँह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से उनकी अमामत को वापस ले लिया और इन्हें बस एक माह का ही वक्त दे दिया और साथ में ये भी कहा कि वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त किसी दूसरे गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी साहब की बीवी के पास पढ़ाने के लिए भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब पर परेशानियों का पहाड़ टूट रहा था और वो मसाइब में घेरे जा चुके थे। इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन मौलवी साहब अपने घर में इन्हीं परेशानियों के आलम में बैठे हुए थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी साहब ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। नौजवान ने अंदर आने की इजाज़त तलब करते हुए कहा, मोहतरम उस्ताद, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया, फिर खुद ही अपना तारुफ करवाने लगा कि मैं आप ही का एक शागिर्द हूँ, मेरा नाम अरबाज़ है और मैंने आपके पास बचपन में कुरान पढ़ा है। मैं ज़ुबैर नामी शख्स का बेटा हूँ और मैं बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने अरबाज़ को पहचान लिया और उसे अंदर आने को कहा। फिर मौलवी साहब ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरबाज़ ने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ शर्मनाक माजरा पेश आया है। मज़ीद बताया कि मैं एक शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया हूँ और मेरा ये इरादा है कि मैं गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता हूँ, लेकिन मुझे आते ही इस बात का इल्म हुआ तो मुझे इस बात पर कुछ भी यकीन नहीं हुआ कि ये वाकई सच है, और इसी वजह से मैं इसका राज मालूम करने पहुँच गया। अरबाज़ की बातें सुनकर मौलवी साहब को कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। फिर अरबाज़ ने मौलवी साहब से कहा कि आप अपनी बेटी को बुलवाएं। मौलवी साहब ने अपनी बीवी से फरमाया कि बेटी आयशा को यहाँ लो। आयशा अपने सर पर चादर डाले हुए अरबाज़ के सामने बैठ गई। फिर अरबाज़ ने इसकी नब्ज़ चेक की, फिर कुछ तफसीलात पूछी। अरबाज़ हकीम ने कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से कहा कि आप एक बड़े बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करें। आयशा, जो कि अरबाज़ के पास ही बैठी थी, उसको कहा कि आप पूरा दिन कुछ मत खाना और पूरा दिन भूखा रहना। मौलवी साहब को अरबाज़ की बात पर अमल करना ही पड़ा। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा। मौलवी साहब ने रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया था और उनकी बेटी आयशा पूरे दिन भूखी रही, कुछ भी ना खाया। और अरबाज़ हकीम ने गांव की कुछ मौजिज़ औरतों को भी बुलवा लिया, फिर उनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब बकरे का गोश्त पककर तैयार हो चुका तो अरबाज़ ने मौलवी साहब की बेटी आयशा से कहा कि पेट भरकर गोश्त खाएं। आयशा तो वैसे ही सुबह की भूखी थी, पेट भरकर गोश्त खाया। जब आयशा ने गोश्त खा लिया तो उस वक्त मोहल्ले के कुछ मज़ीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। अरबाज़ ने मौलवी साहब की बेटी आयशा को बुलवाया और अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया। उनके साथ मौलवी साहब और उनकी बीवी भी थी। जहाँ ये लोग आए उसी जगह पर उसने पहले ही से कुत्ते को ज़िबा कर रखा था। अरबाज़ ने एक तरफ इशारा करते हुए मौलवी साहब की बेटी आयशा से कहा कि अभी आपने जो गोश्त खाया है वो इसी कुत्ते का था। बस फिर क्या था, आयशा ने फौरन उल्टियाँ करना शुरू कर दिया और फिर जो कुछ भी खाया था सब बाहर आने लगा। और फिर कुछ ही देर में उसके पेट से गोश्त के साथ उल्टी के ज़रिए एक मेंढक भी निकल आया, जिसे सब गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा, जो कि इसके रूम में आ गए थे। जैसे ही मेंढक बाहर निकला उसको कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। अरबाज़ सारे गांव वालों को मुखातिब करते हुए कहा, मौलवी साहब की बेटी ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था, जिसमें से एक मेंढक का छोटा सा बच्चा इसके पेट में दाखिल हो गया। फिर जैसे जैसे वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो इसे तकलीफ़ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। सारे गांव के लोगों ने अरबाज़ की जहानत और हिकमत देखकर वाह वाह करने लगे और साथ ही साथ लड़की की पाक दामनी भी सब पर वाज़ा हो गई। इन्हीं के बीच में एक ऐसा शख्स भी था जो कि पेचताप खा रहा था। वो कोई और नहीं, चौधरी का बेटा रियाज था। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जब सारे गाँव वालों ने वो मंज़र देखा तो आयशा पर लगाए हुए सारे इल्ज़ाम गलत साबित हुए थे
और फिर मौलवी साहब को इज्जत एहतराम के साथ इमामत पर बड़ा जमान फरमाया और साथ ही उनकी बीवी के पास बच्चे भी पढ़ने आने लगे। फिर मौलवी साहब ने अरबाज हकीम के इसरार पर अपनी बेटी आयशा का निकाह उस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टोरी को लाइक कर दें।